80 से टोटल 5 सेंटेंस यहाँ पे दिए, ए बी सी डी और ई, और 80 से को इनकम एक्स एक्ट 1961 में इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। इसी का मीनिंग क्या है, तो देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पे, दैट इज अ पर्सन बाय वूम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, ब्रैकेट में लिखा है पेनल्टी और इंटरेस्ट पेबल अंडर दिस एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम और नॉट। तो 80C का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, दो टाइप है यहाँ पे, पर्सन और 80C, दोनों का मीनिंग साथ में समझना जरूरी है कि पर्सन जो होगा वो हो सकता है 80C ना भी हो। कि फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट अभी आप कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, सो आप पर्सन की डेफिनेशन में आओगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट यू आर नॉट 80C। 80C किसे बोलते हैं, जो एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है उसको हम 80C बोल रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल कि एज अ स्टूडेंट आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और आपका इनकम भी क्या है कि कुछ लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, कि मोर देन 2,50,000, तो कंपलसरी आपको भी क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस केसेस में आप क्या हो, पर्सन तो हो ही, साथ साथ में क्या हो, 80C भी हो। तो फर्स्ट सिंपल मीनिंग क्या है 80C का, कि 80Cs आर दोज पर्सन्स वो आर एक्चुअली पेइंग टैक्स द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को एक्चुअल में टैक्स पे कर रहे हैं। तो सर पर्सन और 80C में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो पर्सन हो सकता, पर्सन है तो जरूरी नहीं कि वो टैक्स पेयर भी हो। कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एज अ स्टूडेंट आप कहीं पे कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे, देन यू आर नॉट टैक्स पेयर, तो आप पर्सन तो ऊपर 80C नहीं हो। तो पर्सन में से भी कुछ ऐसे पर्सन जो एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, वो वाले पर्सन को हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन तो है साथ साथ में वो 80C भी है। तो 80C को एक लाइन में अगर सिंपली डिफाइन करना हो तो आप क्या लिख सकते हो कि 80Cs आर दोज पर्सन्स वो आर पेइंग टैक्स द गवर्नमेंट एक्चुअली, और जिसका इनकम कुछ लिमिट से ज़्यादा है और उन पे टैक्स लायबिलिटीज अराइज हो रही है और वो टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ 80C। पर उसके बाद देखो ये तो यहाँ पे लिख के दिया, देखो बाय वुम एनी टैक्स, तो कोई भी अगर वो टैक्स पे करता है तो वो गवर्नमेंट के लिए 80C होगा। तो ऑल पर्सन आर नॉट 80C बट ऑल 80C आर पर्सन, कि पर्सन का स्कोप यहाँ पे वाइडर टर्म में लिया गया है, कि पर्सन में चाहे आप पे टैक्स लाइबिलिटीज अराइज हो रही है, आप एक्चुअल टैक्स पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर, पर आप पर्सन हो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर अगर आप पे टैक्स लाइबिलिटीज अराइज हो रही है एंड यू आर पेइंग टैक्स गवर्नमेंट, देन यू विल बी द पर्सन एज वेल एज 80C ऑल्सो। तो और एक हम थोड़ा डिफरेंट क्या कर सकते हैं कि ऑल पर्सन आर नॉट 80C, कि जरूरी नहीं कि सारे पर्सन है वो 80C ही हो, बट ऑल 80C, सारे 80C पर्सन तो होते ही बाई डिफॉल्ट। तो ये आपको याद रखना है कि पर्सन मे और मे नॉट बी एक्चुअल टैक्स पेयर, अगर पर्सन में से जो पर्सन एक्चुअल में टैक्स पे कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज 80C। तो ये फर्स्ट सेंटेंस। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, दैट इज सम ऑफ मनी और उसमें लिखा है पेनल्टी और इंटरेस्ट। तो एक लाइन में सिंपल मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि ऑल दोज पर्सन हु आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी कंसिडर एज अ 80C, और वही सारे पर्सन को हम 80C बोलते हैं। फिर दूसरा मैंने क्या आपको रिवाइज करूँ वहाँ पे कि ऑल पर्सन आर नॉट 80C, जरूरी कि सारे पर्सन टैक्स पे करें, बट ऑल 80C आर पर्सन, सारे 80C पर्सन तो होते ही है। फिर ये वाला पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनी अदर सम ऑफ मनी, तो टैक्स पे करते उनको तो आप 80C बोलते ही बोलते हो, पर एनी अदर सम ऑफ मनी का मीनिंग क्या है, देखो दैट इज पेनल्टी और इंटरेस्ट। तो सर ये पेनल्टी और इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो भी 80C होंगे, तो आंसर इज यस, उनको भी आप 80C बोलोगे। पर उसके लिए आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये वाला क्या लिखा है, फर्स्ट सेंटेंस रीड करो। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है वो एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 80C मीन्स अ पर्सन बाय वुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। एनी अदर सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो एक सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, उसमें मिस्टर एक्स दोनों केस में अलग अलग एग्जाम्पल लिया गया है। देखो मिस्टर एक्स वो अपना खुद का एक बिजनेस चला रहा है और ड्यूरिंग दी वन प्रीवियस ईयर उसको कितना प्रॉफिट, सॉरी कितना सेल किया उसने, दैट इज 22 लाख रुपीज़ का, और परचेज मतलब सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपीज़। मिस्टर एक्स करके एक पर्सन था
ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में पूरा जो टोटल सेल्स रेवेन्यू था उसका, दैट इज 22 लाख, 21 लाख उसका एक्सपेंस था, तो उसको ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख पे तो कोई भी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। क्यों? बिकॉज याद करो मैंने आपको बताया कि अप टू 2,50,000 तो क्या होता है, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। कि अगर आप 2,30,000 इनकम अर्न करते हो तो रूल्स के हिसाब से आप पे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। बिकॉज रूल्स क्या है, 2,50,000 से ज्यादा जब आप अर्न करोगे तब जाके आप पे टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स बिजनेस करके 1 लाख रुपीज प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है, पर क्या है, उस पर कोई भी टैक्स लाइबिलिटीज अराइज नहीं हुई, तो वो OCC नहीं होगा। पर और भी क्या देखो, बट मिस्टर एक्स हैज टू पे GST। अगर वो खुद का बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस में क्या कर रहा होगा स्टूडेंट, आइदर वो गुड्स को सेल कर रहा होगा या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। तो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त, याद करो मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स, कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त वो बायर के पास से क्या कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और वो जो टैक्स कलेक्ट करता है वो फिर कहाँ पे सबमिट करवाता है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वो ऐसा बोल सकते हैं कि देखो मुझ पे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही, 1 लाख प्रॉफिट है इसलिए तो मैं OCC नहीं। पर वो ऐसा भी बोल सकता है कि मैं GST तो पे कर रहा हूँ तो मैं OCC हूँ, तो आंसर इज नो, क्योंकि GST एक्चुअल में वो बिजनेसमैन पे नहीं कर रहा है। वो कौन पे कर रहा है, जो फाइनल कस्टमर है, जो बायर है वो पे कर रहे हैं। वो तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि टैक्स कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को सबमिट करवाना। तो इस एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या होगा, मिस्टर एक्स को OCC नहीं माना जाएगा, इवन दो ही और शी इज अ पर्सन और वो GST भी पे कर रहा है। बिकॉज GST वो एक्चुअल में वो नहीं पे कर रहा तो OCC उसको नहीं बोल सकते। और एक्स मिस्टर एक्स बिजनेस करके इनकम तो अर्न कर रहा है, पर इतनी नहीं कर रहा कि जिससे उस पर टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो, तो वंस अगेन वो OCC इस केस में नहीं है। अब से एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला एग्जाम्पल देखो, कि अब मिस्टर एक्स का यहाँ पे क्या हुआ, टर्न ओवर इंक्रीज होगा। देखो 2 करोड़, 22 लाख से सीधा कितना चला गया, 2 करोड़, और परचेज, तो परचेज और एक्सपेंस भी बोल सकते हो, टोटल एक्सपेंस दैट इज 1,99,00,000 रुपीज, तो वंस अगेन उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख। तो रूल्स के हिसाब से पता है कि अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स लाइबिलिटी अरेज नहीं होने वाला, तो नो टैक्स लाइबिलिटीज। पर यहाँ पे क्या है कि देखो उनका टर्न ओवर कितना ज्यादा है, 2 करोड़ का टर्न ओवर है, और वो क्या शो कर रहा है कि मुझे एक्सपेंस कितना हुआ, 1,99,00,000 रुपीज। तो कुछ टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्टूडेंट कुछ रूल्स ऐसे हैं कि वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कि अगर आपका टर्न ओवर, मैं 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपका टर्न ओवर कुछ अमाउंट से ज्यादा हो रहा है तो कंपलसरी आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ेंगे, और ऑडिटर जो रिपोर्ट है, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो आपको गवर्नमेंट के पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को दिखाने पड़ेंगे कि देखो मुझ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी तो अराइज नहीं हो रही, बिकॉज आई एम अर्निंग ओनली द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, पर मेरा टर्न ओवर कुछ अमाउंट से ज्यादा था, इसलिए रूल्स के हिसाब से मैंने क्या करवाया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाया, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड मैंने आपको सबमिट किया। दैट इज कंपल्सरी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इवन दो किसी बिजनेसमैन पे टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, जो कि यहाँ पे 1 लाख से नहीं हो रही, पर उनका टर्न ओवर बहुत ही ज्यादा है, तो उस केसेस में उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ेंगे, और वो ऑडिट रिपोर्ट क्या करवाना पड़ेगा, वो सबमिट करवाना पड़ेगा कुछ टाइम लिमिट के अंदर। अगर वो सबमिट नहीं करवाता है तो फिर उस पर क्या अराइज होगा, दैट इज पेनल्टी, उसको पेनल्टी लगे। क्यों? बिकॉज उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो फॉलो नहीं किए, वो रूल्स उसने फॉलो नहीं किए, इसलिए उसको पेनल्टी पे करनी पड़ी। तो इवन दो टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही, पर एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसने फॉलो नहीं किए, इसलिए उसको क्या पे करना पड़ रहा है, पेनल्टी पे करना पड़ रहा है। तो उस केस में मिस्टर एक्स को क्या माना जाएगा, OCC माना जाएगा। तो ये वाला जो सेंटेंस था स्टूडेंट, दैट इज एनी अदर सम ऑफ मनी, तो एनी अदर सम ऑफ मनी में क्या आएगा, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। कि अगर पेनल्टी लगी फिर भी वो पेनल्टी भी पे नहीं कर रहा है तो उसपे भी क्या लगेगा, वंस अगेन इंटरेस्ट लगेगा। तो जरूरी नहीं कि एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो और वो पे करे उसको ही OCC बोला जाए। कि अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करने से अगर किसी पर्सन पे पेनल्टी अराइज होती है या फिर इंटरेस्ट चार्ज करते है गवर्नमेंट, तो वो भी उनको भी क्या माना जाएगा, OCC माना जाएगा। तो दैट इज फर्स्ट सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। उसके बाद देखो
सेंटेंस नंबर टू में क्या लिखा है, ये वाला सेंटेंस देखो, रीड कर रहा हूं पूरा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या उसमें, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन वेदर और नॉट ही इज लायबल फॉर एनी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रोसीडिंग। देखो क्या लिखा है वहां पे, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। अब सर प्रोसीडिंग क्या होता है, तो सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्रोसीडिंग मतलब के असेसिंग ऑफिसर, जो गवर्नमेंट जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से असेसिंग ऑफिसर होता है। वो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है कि जो भी आपने टैक्स लायबिलिटीज और इनकम शो करके जो भी टैक्स लायबिलिटीज पर्सन ने कैलकुलेट की है वो सही है या गलत है वो भी तो जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट वैसे तो आपका कहना नहीं मानेगी क्योंकि उनको तो प्रूफ चाहिए, और उनको डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है कि नहीं ये अपनी इनकम कम शो कर रहा है और उस पे जो टैक्स लायबिलिटी उसने कैलकुलेट किए वो गलत तरीके से किए और वो कम टैक्स पे करने के लिए कम इनकम शो कर रहा है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, जो टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट किए पर्टिकुलर पर्सन ने उस पे वो क्या करेगा, वंस अगेन उन पे प्रोसीडिंग चलेगा। प्रोसीडिंग मतलब वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगेगा कि लाओ हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दो कि इतनी इनकम हुई है तो ये प्रूफ दो, और सब कुछ मतलब डिटेल में चेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा आपके इनकम का, असेसमेंट का। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसीडिंग करना। तो वो प्रोसीडिंग किया, तो जब तक प्रोसीडिंग, अब देखो ऐसा तो ही नहीं कि प्रोसीडिंग एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कि उसमें टाइम लग सकता है 15 डेज 30 डेज, और बहुत ही अगर बड़ी एक कंपनी एज अ असेसिंग टैक्स कम शो कर रही है तो उस पर तो प्रोसीडिंग बहुत ही लंबे समय तक चलेगा, बिकॉज उसके तो बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ही सारे होते हैं। तो उस पर फिर क्या होगा कि प्रोसीडिंग हो सकता है 3 4 मंथ तक भी चले, कि असेसिंग ऑफिसर को डाउट हो रहा है कि कम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए या कम इनकम शो किया है। तो जब तक प्रोसीडिंग किसी भी पर्सन पे चलता है तब उस पर्सन को क्या मान लिया जाता है कि आप असेसी ही हो। हाँ, प्रोसीडिंग के बाद पता चलेगा कि टैक्स लायबिलिटीज अराइज हो रही या नहीं हो रही, और हो रही है तो कितनी हो रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, वो प्रोसीडिंग के बाद पता चलेगा, डिटेल जब चेकिंग होने के बाद। पर जब तक प्रोसीडिंग उस पर चलेगा तब तक तो उसको क्या माना जाएगा, असी से ही माना जाएगा। तो प्रोसीडिंग का जो पीरियड होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोसीडिंग उस पर्टिकुलर पर्सन को असी से मान के चलेंगे। फिर बाद में डिसाइड होगा कि वो उस पर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है तो ज्यादा हो रही है कम हो रही है, वो सब बाद में डिसाइड होगा। तो दैट इज द पॉइंट नंबर बी। उसके बाद देखो क्या, दैट इज पॉइंट नंबर सी क्या है, अ पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कभी भी ऐसा नहीं कहता कि 18 ईयर्स के ऊपर वाले जो पर्सन है वो इनकम जनरेट करे तभी टैक्स पे करना है। केसेस में उनके फादर या मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आपके सन या डॉटर माइनर है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वो वाले इनकम पे टैक्स पे करने की, दैट इज हिज और हर पेरेंट्स और जो भी फादर मदर है उनकी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन, मतलब अनदर पर्सन दूसरे पर्सन, तो माइनर पर्सन के इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा, उनका जो गार्डियन है, उनके पेरेंट्स है, फादर मदर है, वो तो वो भी असेसी माने जाएंगे। इवन दो टैक्स किसके इनकम में से पे हो रहा है, उनके माइनर चाइल्ड की इनकम में से पे हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दैट इज एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो अब डीम टू बी असी से क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। देखो एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है, ये रहा देखो डीम असी से। तो डीम असी से का अभी मैंने एक एग्जांपल तो आपको दे ही दिया। देखो क्या है, मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन, कि इनकम कोई और पर्सन जनरेट कर रहा है पर लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसी और पर्सन की। तो वो ऐसा नहीं बोल सकते देखो मेरा तो एक छोटा सा बच्चा है वहाँ पे और वो इनकम जनरेट कर रहा है पर मैं तो जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों टैक्स पे करूँ। तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है तो आपको असेसी माना जाएगा, और आपके जो माइनर चाइल्ड है वो टैक्स, उनके इनकम पे टैक्स फादर और मदर को पे करना पड़ेगा। दैट इज डीम असेसी। असेसी है नहीं पर डीम का मतलब क्या, मान लेना, आपको मान लिया है कि आप असेसी हो इवन दो यू आर नॉट असेसी बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप पे है। तो देखो ये सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। नॉन रेसिडेंट एजेंट, तो वो उसका मतलब क्या है,
एक सिंपल एग्जांपल दे कि आपका कोई एक फ्रेंड है और वो नॉन रेसिडेंट है, वो ज़्यादातर आउटसाइड ऑफ इंडिया ही रहता है किसी बाहर की कंट्री में, पर उसका एक बिजनेस इंडिया में है, तो आप एज अ एजेंट उनके बिजनेस को संभाल रहे हो, तो एक्चुअल में इनकम किसका होगा ड्यूरिंग द, जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, आपके फ्रेंड का होगा, कि एज अ आप तो एजेंट ही काम कर रहे हो, पर वो इंडिया में है ही नहीं, वो तो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में कुछ साल में एक या दो बार ही आता है बिजनेस को देखने के लिए, अदरवाइज सब कुछ मैनेजमेंट तो क्या कर रहे हो, आप ही कर रहे हो एज अ एजेंट, तो उस केसेस में भी क्या होगा, आपको डीम असिस्टी मान लिया जाएगा, क्यों, बिकॉज नॉन रेसिडेंट पर्सन तो इंडिया में आएगा ही नहीं, अगर आता है फिर भी दो या तीन बार ही आएगा, तो उनके पास से टैक्स कलेक्ट करने से बेटर है कि एज अ एजेंट को डीम असिस्टी, असिस्टी है नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स कौन पे करेगा, जो नॉन रेसिडेंट पर्सन है जिसका बिजनेस है जो आपका फ्रेंड है वो, पर आपको डीम असिस्टी मनाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास से टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करके कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे करो, तो नॉन रेसिडेंट पर्सन का जो एजेंट होगा वो भी डीम असिसी है, और उसको वो भी असिसी के डेफिनेशन में आ जाता है ट्रस्ट, तो ये सारे क्या है डीम असिसी है। ओके, उसके बाद देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, दैट इज अ पर्सन हु इज डीम टू बी एन असिसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो अब डीम टू बी असिसी मैंने आपका एक्सप्लेन किया, अब असिसी इन डिफॉल्ट क्या होता है, तो डिफॉल्ट करना मतलब क्या, आपने कहीं पे मिस्टेक की है, जो इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स है वो आपने फॉलो नहीं किए, तो देखो ये रहा दैट इज असिसी इन डिफॉल्ट का मीनिंग, तो क्या यहाँ पे देखो दैट मीन्स एनी पर्सन हु फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज अंडर दिस एक्ट। तो एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप क्या करोगे, किसी कंपनी में जाके जॉब करते हो, तो सैलरी कुछ टाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके सैलरी थ्रू आप इनकम जनरेट कर रहे हो, तो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंडर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप गवर्नमेंट क्या कहती है कि एम्प्लॉयर जो कि आपकी कंपनी होगी वो कंपनी को क्या सजेस्ट करती है कि कुछ टैक्स तो एज अ टीडीएस आपको दे देना है। सर टीडीएस क्यों होता है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो आपको जो सैलरी पे होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है पर मंथ वहाँ पे 20,000, तो गवर्नमेंट क्या करके 10% टीडीएस रिड्यूस करने के बाद ही उनको सैलरी दो, तो दैट इज 2,000, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी 18,000, तो सैलरी थ्रू आपने इनकम जनरेट की उस पर 10% फॉर एग्जाम्पल, तो 2,000 तो आपने क्या कर दिया टीडीएस ही पे कर दिया, वो सैलरी की इनकम पे डायरेक्टली जब रिसीव किया उससे तब भी उसे आपने टैक्स पे कर दिया एज अ टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी है एम्प्लॉयर को, कि एज अ कंपनी एज अ एम्प्लॉयर जब भी आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करो तो उनके कुछ प्रिस्क्राइब रेट होते हैं टीडीएस के, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करने से पहले आप क्या कर दो डिडक्ट कर लो दैट इज टीडीएस, और उसके बाद एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, और जो टीडीएस आपने कट कर लिया है वो आप क्या करना हमें सबमिट कर देना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी सैलरी के थ्रू टीडीएस कट करने की एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर अगर आपसे आपको 20,000 पे कर देता है 2,000 टीडीएस काट नहीं रहा तो भी असिसी इन डिफॉल्ट किसको माना जाएगा कंपनी को, कंपनी को बोलेंगे देखो हमने तो आपको बोला था कि आपके एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस रिड्यूस करने के बाद फिर वो टीडीएस हमें सबमिट करवाना है, पर आपने नहीं किया देन यू आर द असिसी इन डिफॉल्ट, आप डिफॉल्ट में आए हो तो अब आप टैक्स पे करो, तो फिर हो सकता है कि एम्प्लॉयर है जो कंपनी वो एम्प्लॉय को वहाँ पे सजेशन दे के देखो आपका टीडीएस काटने का बाकी रह गया था तो आप हमें टीडीएस लो हम गवर्नमेंट को सब, दैट इज डिफरेंट, पर अभी डिफॉल्ट में कौन आया दैट इज एम्प्लॉयर, तो ऐसी सिचुएशन में भी एम्प्लॉयर और उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या माना जाता है दैट इज असिसी इन डिफॉल्ट। तो एवरी असिसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी असिस, जो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया वो अभी पर्सन क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, पर ये आपका समझ में आना चाहिए कि सारे असिसी पर्सन होते हैं पर जरूरी नहीं कि सारे पर्सन असिसी हो, बिकॉज पर्सन में से कुछ पर्सन पे टैक्स लाइबिलिटीज अराइज हो रही है, कुछ पर्सन पे पेनल्टी एंड इंटरेस्ट लग रहा है, कुछ डीम असिसी है, कुछ असिसी डिफॉल्ट है, तो वो सारे पर्सन असिसी बनते हैं, रिमेनिंग तो क्या बन के रहेंगे सिर्फ पर्सन ही, तो आप मुझे बताना यहाँ पे कि वो असिसी है या नहीं। देखो नंबर वन, मिस्टर एक्स हैविंग टोटल इनकम डज नॉट एक्सिड मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, तो यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर एक्स, वो टोटल इनकम जो जनरेट कर रहा है वो इतनी ज्यादा नहीं कि उस पर टैक्स लाइबिलिटीज अराइज हो,
तो क्या उसको आसी बोल सकते हैं स्टूडेंट? यस और नो आंसर दो, क्या आसी होगा वो? आंसर दो मुझे, नो। ओके, बिकॉज क्या एक्चुअल में टैक्स पे करना चाहिए, अदरवाइज टैक्स पे ना करे तो उस पर पेनल्टी एंड इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, तब भी उसको आसी बोला जाएगा। तो आसी नहीं है पर पर्सन तो है वो, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो आसी नहीं है पर वो पर्सन है। ओके, नंबर टू, मिस्टर एक्स टोटल इनकम डज नॉट एक्सिड एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब वो इतनी इनकम अर्न नहीं कर रहा है कि जिस पे टैक्स लायबिलिटी अराइज हो सके, पर क्या है, बट ही इज लायबल टू पे फाइन फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑडिट। उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाया और उस पे फाइन लगा, उस पे पेनल्टी लगा, तो क्या मिस्टर एक्स को ऑसीसी माना जाएगा, यस और नो? यस, बिकॉज टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जरूरी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते, अगर आप पे पेनल्टी लगती है तो भी आपको क्या माना जाएगा, असीसी माना जाएगा। थर्ड देखो इसके बाद क्या है, दैट इज मिस्टर एक्स टोटल इनकम डज नॉट एक्सिड एग्जेम्पशन लिमिट, तो वही दिया है कि इतनी इनकम तो नहीं कि टैक्स लायबिलिटीज अराइज हो सके, मतलब 2,50,000 से कम इनकम है, बट पर है क्या वहां पे देखो, बट ही इज लायबल टू डिपोजिट द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज माइनर चाइल्ड फॉर हिज टैलेंट वर्क, बस उसका एक माइनर चाइल्ड है और वो माइनर चाइल्ड का टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी, तो क्या वो असीसी होगा या पर्सन, बोलो? असीसी, राइट, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पे थी कि माइनर चाइल्ड को तो चलो पता नहीं कि टैक्स कैसे पे करते, कैसे टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करते, पर आपको तो पता था और वो माइनर चाइल्ड की टैलेंट इनकम पे टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रही थी, तो आपको तो पता था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करना, आपने नहीं किया, तो आप असीसी तो हो, तो उसको असीसी माना जाएगा। नंबर फोर, मिस्टर एक्स और वो क्या है देखो, एम्प्लॉयर है, फेल टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉई। मिस्टर एक्स जो एम्प्लॉयर था वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस रिड्यूस करना, काटना भूल गया, तो क्या वो असीसी हो गया पर्सन? याद करो मैंने क्या, असीसी इन डिफॉल्ट, गवर्नमेंट ने वो एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी थी कि देखो जब भी आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करो तो उसके कुछ प्रिस्क्राइब परसेंटेज एज अ टीडीएस काट लेना कुछ पैसे, और वो पैसे हमें सबमिट करवा देना, पर वो भूल गया। देखो क्या लिखा है, मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉयर फेल टू डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस रिड्यूस करने में डिडक्ट करने का वो भूल गया। ध्यान से सुनना और आंसर देना मुझे, मिस्टर एक्स लायबल टू पे जीएसटी बट डज नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स, मतलब मिस्टर एक्स है वो जीएसटी पे कर रहा है और वो बिजनेसमैन है, याद रखना मिस्टर एक्स बिजनेसमैन है, वो जीएसटी पे कर रहा है गवर्नमेंट को, जो उसने किससे कलेक्ट किया था, बायर के पास से, अपने कस्टमर के पास से, पर वो खुद इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा, तो वो असीसी होगा या पर्सन होगा? यस पर्सन, बिकॉज जीएसटी वो नहीं पे करा, वो कस्टमर पे करे, आप तो सिर्फ उनको सबमिट करवा रहे हो गवर्नमेंट को, तो आप जीएसटी पे कर रहे हो तो डजेंट मीन कि आप असीसी हो। अगर आप प्रॉफिट अर्न करते 2,50,000 से ज्यादा या कुछ अमाउंट से ज्यादा, फिर आप अगर टैक्स पे करते तब आप असीसी बनते, पर अभी तो जीएसटी तो आपके कस्टमर पे कर रहे, आप तो सिर्फ सबमिट कर रहे हो, तो उसको सिर्फ पर्सन ही बोला जाएगा। तो देखो